नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DIDO द्वारा बनाए गए स्वॉर्म रोबो के बारे में बात करेंगे, जिसको DIDO की लैब R&DE ने बनाया है। वैसे इस लैब ने बहुत सारे अदर ड्रोन भी बनाए हैं, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे हाल ही में शोकेस किए गए स्वॉर्म रोबो के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जिस तरह का आपका स्वॉर्म UAV का कॉन्सेप्ट है, ठीक वैसे ये जो स्वॉर्म रोबो है वो पिक्चर में आया है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि इस तरह के मल्टीपल मिनी UGV होंगे, यानी कि अनमैन ग्राउंड व्हीकल, जो कि ऑटोनोमस मल्टीपल फंक्शन करने में सक्षम होंगे। मतलब ऐसे मल्टीपल ड्रोन मिलकर एक झुंड में किसी काम को करेंगे, जैसे कि आपके 100 UAV करते हैं। अगर रोल की बात करते हो किस तरह के रोल करने जा रहा है, मान लो किसी एरिया को आपको एक्सप्लोर करना है, उसमें जो आपका टाइम है वो ज्यादा जाने वाला है, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह के मल्टीपल ड्रोन को लॉन्च करके और तुरंत ही पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी जो मैपिंग है वो कर सकते हो। उसके लिए जो यहाँ पे सेंसर है UGV पे वो दिया जाएगा। तो बेसिकली आपका एक्सप्लोरेशन करने में तो सक्षम होगा ही, जबकि SLAMP करने में भी सक्षम है। मतलब साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी एरिया को जो भी आपके मल्टीपल ड्रोन है उनकी हेल्प से स्कैन कर लोगे, उनका जो मैप है वो बना लोगे, और उन सभी से आए डेटा को एक जगह सिंथेसाइज करके जो कम्प्लीट मैप है वो आपको मिल जाएगा। अगले एप्लीकेशन की बात करते हो तो इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करके मान लो कहीं पे आपके कम्युनिकेशन में कोई ब्रेक है या फिर कहीं पे जैमर लगा दिए गए हैं, तो वहाँ पे इस तरह के जो आपके UGV होंगे वो एक रिले के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। वहीं पे इस रोबोसोम के ग्रुप में जो भी मिनी UGV होंगे वो इंडिपेंडेंटली डेटा को शेयर करने में सक्षम होंगे। मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ड्रोन एक पर्टिकुलर सर्वर से जुड़े होंगे। वैसे केस में क्या होता है कि जो आपका सर्वर है वो गया, फिर जो आपकी कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, यहाँ पे वो केस नहीं है। ये सभी जो ड्रोन है वो एक दूसरे के लिंक को रिपेयर करने में सक्षम है और आपस में जुड़े रहेंगे। मतलब ये कि कहीं भी कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो एक ड्रोन की जो हेल्प है वो दूसरा नहीं तो तीसरा करने में सक्षम होगा। अगले एप्लीकेशन की बात करते हो तो वह एक्टिव बैरियर प्रोटेक्शन। अगर एक्टिव बैरियर प्रोटेक्शन की बात करते हो तो वो कई सारे एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उन बैरियर्स को लेकर की जा रही है जो कि सॉफ्टवेयर लेवल पर कंट्रोल किए जाते हैं, तो उनको लेकर जो कमांडिंग है वो आपके जो रोबो हैं वो कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो सिचुएशनल अवेयरनेस को लेके है, या फिर जो सर्च एंड रेस्क्यू है उसको लेके है, क्योंकि इस ड्रोन पे कॉम्पास दिया गया है, लैडर दिया गया है, यानी कि लाइट डिटेक्शन रेंजिंग वो दिया गया है, GPS इनेबल्ड है, प्लस जो कैमरा है पेलोड के रूप में वो भी दिया गया है। तो इतने सारे पेलोड के साथ किसी भी एनकाउंटर के टाइम पे या फिर सर्विलेंस के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी निगाहें होंगी वो हर तरफ होंगी, जो कि आपका समय बचाएंगी। यहाँ पे इस व्हीकल की बात करते हो तो इसका जो वेट है वो 20 kg का है। स्टीयरिंग सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्किड स्टीयरिंग है, यानी कि टैंक स्टीयरिंग है। बेसिकली जो इस तरह के स्टीयरिंग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं स्मॉल UGV में। ऐसे स्टीयरिंग में क्या होता है, जो कि आपने देखा भी होगा, जो भी आप क्रेन देखते हो या फिर अर्थ मूवर देखते हो, उनमें जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो यही होता है। इसमें जो आपके दो साइड के व्हील हैं और जो दो आपके लेफ्ट के व्हील हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट मूव करने में सक्षम होते हैं। मतलब दोनों साइड के जो व्हील होते हैं वो मैकेनिकली लॉक्ड होते हैं, और व्हीकल को मूव करने के लिए मान लो आप राइट टर्न ले रहे हो तो वहाँ पर जो आपके दो व्हील हैं लेफ्ट में उनको तेजी से घुमाओगे और जो राइट वाले व्हील्स हैं उनको स्लो मूव करोगे तो व्हीकल अपने आप टर्न हो जाएगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म पे ये काम करता है। इनके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है लिखने को वो काफ़ी आसान होती है, जिस वजह से जो मैकेनिज्म है वो आमतौर पर इस तरह के मिनी UAV में चुना जाता है। यहाँ पर जो भी आपके व्हील्स हैं जो कि जोड़े में कनेक्ट किए गए हैं वो एक दूसरे से गियर की हेल्प से कनेक्ट रहते हैं, जिसको मूव कराया जाता है। जो भी आपके गियर्स हैं उनको रोटरी मोशन दे के, तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो स्मॉल मोटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। स्पीड की बात करते हो तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो 4-6 kmph की है। अगर यहाँ पर जो भी आपकी UGV हैं या फिर जो स्वॉर्म रोबो है इनके फीचर की बात करते हो, मतलब इनके प्रोग्रामिंग में किस तरह के फीचर दिए गए हैं, तो बेसिकली ये खुद को डिप्लॉय करने में सक्षम है। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसके डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे जो पैटर्न हैं वो फीड किए गए हैं। मतलब ये कैसे एकत्रित होंगे मिशन के अकॉर्डिंग, तो उसको लेकर जो एल्गोरिथम है वो लिखा गया है। कलेक्टिव मूवमेंट के लिए जो एल्गोरिथम है वो लिखा गया है, वो भी इसके फीचर में है। जबकि अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जो रोबो है वो सबको कंट्रोल करे तो वो चीज़ भी यहाँ पर संभव है, और जबकि एक दूसरे का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर उसको कोई तीसरा रिपेयर करने में भी सक्षम है। तो इस तरह के यहाँ पे अपने फीचर हैं। अगर सेफ्टी की बात करती हो तो जो इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑपरेशन है वो आपको मदद करेगा इंटरसेप्शन से बचने में। जो सेल्फ हीलिंग एडहॉक नेटवर्क है, मतलब किसी एक रोबो से जो आपका कनेक्शन है वो कोई एनिमी ब्रेक कर देता है तो किसी तीसरे या फिर चौथे से आप कनेक्ट हो जाओगे। रोबो में जो ऑटोनॉमी है वो एडवांस दी गई है, सेल्फ इंटेलिजेंट है ये रोबो, जबकि अपने ग्रुप में से ये किसी को भी लीडर सेलेक्ट कर सकता है। और जिस तरह का भी ऑपरेशन है, जैसे कि किसी रूम में आपको ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो उसके लिए जो नेविगेशन है वो खुद करने में सक्षम है, जो पाथ प्लानिंग है वो भी ये करेगा। तो कुछ इस तरह के आपके फंक्शन है DIDO के इन रोबो में जो कि स्वॉर्म फॉर्मेशन में काम करने जा रहे हैं। इसको लेकर जो डेमोंस्ट्रेशन है कई सारे मिशन के एल्गोरिथम पे वो ऑलरेडी कर लिया गया है, शायद आपको जल्द ही ये वैली में भी दिखने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।